गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 जिसका नेम है विशेषण। जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है विशेषण। क्या नेम है? विशेषण। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? विशेषण की परिभाषा देखते हैं। तो विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि, ये क्या है? विशेषण शब्द है। ओके, विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि, ये क्या है? विशेषण के उदाहरण है। विशेषण के उदाहरण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होता है? संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अगला कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। पांचवा कौन सा होता है? व्यक्तिबोधक विशेषण। व्यक्तिबोधक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संज्ञावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, पांचवा व्यक्तिबोधक
विशेषण। अब हम सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं। तो गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, दानी, ये क्या है? सुशील, आदि, ये क्या है? गुण है। तो गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं दोष, ये तो क्या थे? गुण थे। अब हम देखते हैं दोष। बुरा, 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 अशिष्ट, असभ्य, असभ्य, कंजूस, चोर, झूठा आदि, ये क्या है? ये दोष है। क्या है? दोष। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग, रंग काला, लाल, हरा, पीला, सफेद, नीला, सफेद, नीला। दशा, रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला, बीमार, बिगड़ा हुआ, सुखी, जीवन, पिंगला, गाढ़ा, गिल्ला, सूखा, गरीब आदि, ये क्या है? दशा। आकार, गोल, चपटा, अंडाकार, त्रिभुजाकार आदि। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी आदि। नागरिकता, भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी, चीनी, जापानी, पंजाबी आदि। काल, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी आदि। आयु, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर आदि। स्पर्श, कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा, नरम, ठंडा, गर्म आदि। स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, कड़वा, तीखा आदि, ये क्या है? ये गुण है। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण के क्या है? गुणवाचक विशेषण के विशेषताएं हैं। क्या होते हैं गुणवाचक विशेषण? किसको कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है। क्या होता है गुणवाचक विशेषण में? इनका बोध होता है तो इनको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
ओके तो आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ना है। विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने और अच्छे से समझने हैं, और गुणवाचक विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।